नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो साइड में बेल आइकन भी आपको दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में, जो कि 7 अप्रैल को दिन बुधवार को पड़ रही है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जो व्यक्ति के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, इस एकादशी का व्रत जो है बहुत ही अच्छा कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से जो है बड़े बड़े यज्ञ के समान इस व्रत की तुलना की गई है। कहते हैं कि इसका महत्व जो है 1000 गाय के समान है और ये एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है। अर्थात जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करता है, उसके सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ब्रह्म हत्या पाप हो, सोना चुराने का पाप हो, या अनजाने अनजाने में जो भी आपके पाप हो, वे सभी तरह के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो यूँ तो हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की, मगर ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और ये बहुत ही अच्छी एकादशी है। जो व्यक्ति इसका व्रत करता है तो सभी तरह के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी तिथि का जो अब की बार प्रारंभ 7 तारीख को हो रहा है, रात को 2:09 पर प्रारंभ होगी एकादशी तिथि, और इसकी जो समाप्ति है 8 तारीख को रात को 2:28 पर होगी। तो 7 तारीख को इसका व्रत रखा जाएगा और इसके जो पारण की तिथि है वो 8 तारीख को दोपहर को 1:39 से शाम 4:11 तक है। जिस दिन आपको व्रत करना हो उस दिन, व्रत वाले दिन जो है व्यक्ति सुबह जल्दी उठ लें और उठकर एकादशी के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद एक चौकी रखें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें, उस प्रतिमा पर पीले फूल और पीले फल आदि अर्पित करें, भगवान को धूप दीप आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु जी के जो है मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। ये कार्य करने से जो है आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा होगी और जाने अनजाने के किए हुए सभी पाप आपके नष्ट हो गए। क्योंकि इस एकादशी का व्रत जो है सभी तरह के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव के साथ करता है, सभी तरह के पाप जो है उसके नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। तो आज आप लोगों ने जाना पाप मोचनी एकादशी के बारे में। हमारी और वीडियो आगे आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।